आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना आपको मौसम से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश भर में जारी है बारिश का दौर। 25 राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट हुआ है जारी। मौसम विभाग ने देश के 25 राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर जो है रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, झारखंड, दक्षिणी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल है। वही मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून अभी देश के लगभग सभी इलाकों में पहुंच चुका है। अगले 3 दिन तक यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाकी बचे इलाकों को कवर करेगा। वह जून में देश भर में 165.3 mm बारिश की जगह 147.2 mm बारिश हुई है, यानी ये सामान्य से 11% कम है। वही महाराष्ट्र के उत्नागिरी जिले के अंदर जो है चपलूंग गाँव में जो है यहाँ पर नदी में जो है मगरमच्छों की संख्या बढ़ी है। बरसात में नदी भरने की वजह से मगरमच्छ सड़कों व बस्तियों में आ रहे हैं। वही कल जो है महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और देश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हुई। गुजरात में बारिश से सूरत, भुज और वापी और इसके अलावा भरूच, अहमदाबाद की सड़कों पर यहाँ पर सड़कों और घरों में जो है लोगों के पानी भर गया। वही ज्यादातर इलाकों में जो है ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। अगले 2-3 दिनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर जो है चेतावनी भी दी है। अब आपको राज्य भर मौसम विभाग की बात यहाँ पर बताते हैं। राज्य भर मौसम विभाग के समाचार का आपको बताते हैं, तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं आज राजस्थान के मौसम की। तो राजस्थान के 4 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गंगानगर, चूरू और बीकानेर में पारा 40 डिग्री पार है। दरअसल बात यह कि राजस्थान में इस समय मानसून की एंट्री के बावजूद जून में बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा में भारी बारिश को लेकर आज चेतावनी दी है। गंगानगर में बारिश नहीं होने से तापमान 41 पर पहुंच गया है। चूरू में भी कल जो है तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, यानी तापमान में जो है जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है राजस्थान के अंदर जो है इस बार जो है जून महीने में कम बारिश हुई है। 30 दिन में औसत 5 mm बारिश होती है, लेकिन ये जो है यहाँ पर इस बार कम हुई है। राजस्थान में जो है 9% इस बार कम बारिश जून महीने के अंदर रिकॉर्ड की गई। बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का मौसम। एमपी का मौसम कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का, तो एमपी के मौसम को लेकर यहाँ पर जानकारी आई है कि इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में जो है जोरदार बारिश के आसार है। 23 जिलों में रात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल एमपी में जो तेज बारिश का दौर जो है वो जारी रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। मंडला में 2 इंच तक पानी गिरा है। मौसम विभाग ने कुछ घंटों में 23 जिलों में रात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, रेवा, सागर, सतना, उमरिया, बैतूल, धार और गुना, नर्मदापुरम, खैरगोन और उज्जैन में भी बारिश हुई है। मंडला में सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक 55 mm बारिश हुई है। लगभग 2 इंच पानी गिरा है। वही सीधी में भी करीब 2 इंच बारिश हुई है। रायसेन में 1.25 इंच बारिश हुई है। पंचमढ़ी और धार में 1-1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में गुना, रायसेन, सांची और विदिशा और सागर में आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो एमपी के मौसम को लेकर जानकारी ये फिलहाल सामने आ रही है। बात करते हैं बिहार के मौसम की, ताकि बिहार में आगामी 24 घंटों का कैसा रहेगा मौसम। तो बिहार के भागलपुर, कटिहार समेत 6 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी हुई है। भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, बेतिया और बक्सर और इसके अलावा गोपालगंज जिलों में बारिश हो सकती है। भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो है ज्यादातर इलाकों में चेतावनी दी है। वही बीते 24 घंटों में औरंगाबाद, लखीसराय और इसके अलावा किशनगंज, मधुबनी, जहानाबाद में जो है झमाझम बारिश हुई है। पानी की वजह से कई शहरों में जलजमाव की स्थिति बनी रही, इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वही नदियों का जलस्तर भी बिहार के अंदर बढ़ गया है, यानी नदियां जो है नदियां लगातार उफान पर है, यानी जलस्तर बढ़ गया है, इससे लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है कमजोर मानसून कमजोर पड़ गया है। वही सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते ही मानसून कमजोर पड़ गया है। प्रदेश में भारी बारिश के लिए बार बार ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी राज्य के अंदर 3 दिनों के अंदर कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान सामान्य से 32% कम बारिश हुई। पूरे जून माह में 49% कम बारिश हुई है।
यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश कम हो रही है, ऐसी फिलहाल यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बात करी जा रही है। अब पंजाब हरियाणा की बात करें दोनों राज्यों की, तो भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में भी जो है अलर्ट जारी हुआ है। वैसे बात यह कि यहाँ पर पंजाब है और हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों में जो है मौसम खराब रहेगा अगले 24 घंटों में। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। इससे पहले हरियाणा में कल कई जिलों में तेज बारिश हुई। हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़ में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जानकारी दी है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश जो है 49.5 लगभग 50 बारिश हुई है। इधर पंजाब में पठानकोट बठिंडा में जोरदार बारिश हुई है, 4-4 बारिश हुई है। सुबह यहाँ पर मौसम विभाग ने जो है 9 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया था। इनमें पठानकोट, हशापुर, नवासेर, मनसा, सरूर और सबरूर, इसके अलावा जो है फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर, पटियाला, मोहाली शामिल है। यहाँ पर भी चेतावनी दी गई है। ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो ये कुछ स्थिति जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। झारखंड की बात करें तो 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देवघर, दुमका, गोड्डा समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट झारखंड में भी जारी किया है। वही 3 तारीख तक भारी बारिश की संभावना जताई गई। रांची सहित ज्यादातर इलाकों में जो है तेज बारिश हुई है। तो ये कुछ स्थितियां जो है मौसम की देखने को मिल रही है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि जो है आपको रोजाना मौसम से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल अगले अपडेट में।